आज तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए और मैं बता रहा हूँ मिस्ट्री गर्ल से चैटिंग चल रही थी, कोई चैटिंग नहीं, बाबू ने एडिटिंग कर लिया। What's up guys, welcome back to the channel and भाई आज का दिन बहुत ज़्यादा दुख भर भाई आज का दिन बहुत उसे भाई का और अपना सिर मार दिया सर वाह मजा आ गया। तो भाई आज का दिन थोड़ा दुख भरा दिन है बिकॉज आज हमारा चेकआउट का दिन है एंड मेरा ये प्यारा सा स्वीट एट मैरियट छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा और मेरे से ज्यादा मुझे लगता है एक बंदे को और नहीं कर रहा जाने का जाते जाते ये नहीं है जाते जाते इसने खाना भी पैक करा है ये बताएगी नहीं बात बट हमारा बेस्ट हाँ। मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा था जब 3 साल पहले आया था तब भाई का पीस ऑफ माइंड अलग था आज भाई का पीस ऑफ माइंड अलग है बट माइंड है वहीं पे है कोई सेंस बनना इस बात का ये बताना चाह रहा हूँ रियली द अरेंजमेंट्स ऑफ मैरियट आर वेरी गुड Yes. So guys, if you come, you can definitely check out Marriott Jaisalmer. And मैं एक अलविदा last time बोलना चाहूँगा हमारे स्वीट रूम को जैसे ना पूरा यहाँ पे वॉक इन वॉशरूम था पहले मुझे पता नहीं था दरवाजा पूरा ओपन होता है बट देन उसके 3 दिन में दरवाजा ओपन ही रखा कोई टेंशन मैंने ऐसे हमने कमरे की हालत कर दी जाते जाते अपना ना वो पता चलना चाहिए कि करंट सैगल रह गई एंड देन यहाँ पे कनेक्टिंग रूम मम्मी का था दैट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस प्रॉब्लम हुई है बड़ी पापा रात को मुझे बाहर निकलना था मैं छुप छुप के बाहर निकला तो दिल पे हाथ रख के हम यहाँ से अलविदा ले रहे एंड एक दो चीजें मुझे जरूर दिखाई थी तो यहाँ पे जो पूरा एक रिक्रिएशनल एरिया जहाँ पे फूसबॉल है देन पूल टेबल है देन कार्ड रूम है नीचे टीटी है एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जो आर्किटेक्चर है ना यहाँ का एकदम प्रॉपर एक राजस्थान हेरिटेज को माइंड में रखते हुए बनाया गया बिकॉज बाहर का आउटडोर भी पूरा फोर्ट की तरह है और ये जो इंडोर में आप देख रहे हो सारे जो डिजाइन बने ये भी पूरा एक राजस्थानी आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो जनता इज 1 o'clock इन द आफ्टरनून एंड हम निकल चुके हैं वापस अपने शहर के लिए विच इज गुरुग्राम। ये भी शहर हमें बहुत पसंद आया राजस्थान में हमें बहुत पसंद आया एंड फाइनली 1 बजे निकले तो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से 13 घंटे दिखा रहा है। प्लान अभी का कुछ ऐसा है कि देखो मैंने 13 घंटे गूगल मैप्स में दिखाया तो हम 13 घंटे में ही पहुंचेगी क्योंकि कर्नल साहब गाड़ी चला रहे हैं कर्नल साहब की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है 14 में पहुंचेंगे बेटा जी 13 में तो कर्नल साहब बोलते हैं कि तुमने आते टाइम 3 बार स्पीड गन से रुकवाया था इस बार मैं 100 के नीचे चलाऊंगा इनफैक्ट डैडी 80 के नीचे चलानी है तभी स्पीड गन से बचेगी तो अगर हम 80 के नीचे चलाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम 14-15 घंटे में तो सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो मैं ना अभी ये बहुत अच्छी लर्निंग लेके जा रहा हूँ कि राजस्थान की सड़कें बहुत अच्छी हैं बहुत ब्यूटीफुली बनी हुई है बट स्पीड में नहीं चलाना चाहिए बिकॉज अभी जो मेरे सामने दृश्य है ना मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा बट देन मैं इससे बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ कि अगली बार मैं इसे नहीं चलाने वाला और तेज तो बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा स्पेशली जब फैमिली साथ में होगी तो ये देखो एक बार। तो जो अभी अंदर बंदा बैठा था वो तो बच गया है एंड मुझे लगा था कुछ डेंजरस एक्सीडेंट हुआ होगा बट देन भाई गाड़ी की हालत ऐसी हो गई गाड़ी पूरी पलट गई है देख लिया तेरे को मैंने बताया था ना भाई अभी पापा भी बाहर नहीं और मैंने तेरे को मैंने यही बता रहा था कि क्या होता है ये अभी तो तुम्हारी स्टेबलाइजेशन ये स्पीड पे जब टर्न आप ले रहे हो आपको लगता है बड़े कॉन्फिडेंट हो यू गोल घुमाओगे और ये वही हुआ है एग्जैक्टली वही हुआ बट टू माई डिफेंस सीट बेल्ट पहन लेता हूँ बट टू माई डिफेंस एक चीज है मैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूरा रिलाय नहीं करता बट एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है इस गाड़ी में ABS है इस गाड़ी में काफी ESP है तो उसके कारण ESP जब आप ऐसे भी जा रहे हो गाड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी बिल्कुल तेरी बात मानता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कल को तू यही अभी तो तू ये चला रहा है ठीक है बाई चांस कल को तो क्रेटा ले जा रहा हूँ तो पॉइंट ही होता है आदत में पड़ जाता है पॉइंट माय लॉर्ड आपका पॉइंट लिया गया है अगली बार से हम ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ये ज्यादा टाइम होता तो मैं नहीं चलाता ये मैंने कई जगह देखा है तो यहाँ पे तो हुआ है ना क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस में देखा है हमारे आर्मी में 2-3 जब जगह है उससे कुछ ही नहीं हुआ उसको लगा कि यार बड़ा सिंपल टर्न है एंड इट वाज अ टर्न वेरी स्टीप और वो करा जब तक वो वापस किया वो फ्लिप हो गई गाड़ी पूरी टू फास्ट टू फ्यूरियस चल रही है सीखने को बहुत कुछ है जिंदगी एक्सपीरियंस से सीखते हैं बहुत चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी शर्त लगी हुई है पिछली बार की हम पोखरण से पहले जो गांव में हम रुके थे जहाँ पे एयरपोर्ट्स गिरे हैं वहाँ पे क्या हमें एयरपोर्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे बिकॉज मैंने ना बहुत जोरों शोरों से शर्ट लगा रखी है कि डैडी आप नहीं देखो नहीं मिलने वाले बेवकूफियों को कवर अप मत करो डैडी अगर कोई चीज कवर कर लेगी बेवकूफ नहीं अगर कोई चीज पॉकेट से गिर गई आपके तो उसको बेवकूफी कहते हैं ना 3 दिन तो पता है 3 दिन से बेवकूफ बना रहा है कि मिल जाएंगे शर्त लगाओ मिल जाएंगे शर्त लगाओ क्योंकि फाइनल डांट तो पड़ेगी मुझे उसी जगह पे जाके उससे पहले मैं बोल रहा हूँ होप दे रहा हूँ अपने आप को इनको कि मिल जाएगी अभी डांट मैं बताता हूँ अब तो बड़ा हो गया है अब तूने मतलब तेरे जूते का पैर मेरे से ज्यादा पड़ा है हाँ। तो अब डांटने का कोई मतलब अगर मिल गए ना हाँ। मीम बनाना मिराकल बनाना हाँ, मिराकल हो जाए अगर वो मिल हमारे जैसे बेवकूफ लोग नहीं होंगे 3 दिन बाद जनता ये होता है एडवेंचर हम 3 दिन बाद ढूंढने आए अपने एयरपोर्ट्स प्रो उस टाइम मम्मी कह रही मैं आ जाती 1 घंटे का तो रास्ता था मैं और पापा लॉन्ग ड्राइव कर रहे मैंने बताया नहीं इनको 25,000 के आते नहीं तो मुझे पता है मेरी माँ तो चली जाती पापा का पता नहीं अपना तो मुझे पता है मैं नहीं जाऊंगा मम्मी जरूर चली जाती है गाइस मोमेंट ऑफ ट्रुथ वहाँ जाके हमें पता चल जाएगा एयरपोर्ट पर है ना क्योंकि मेरी फाइंड माय आईफोन में लोकेशन 3 दिन पहले तक तो आ रही थी अब नहीं आ रही देखते
नहीं तो सह लेंगे थोड़ा। तो ये मम्मी भी लगे हुए है, प्रिया भी लगी हुई है। पापा कह रहे मैं तो शर्त जीत गया हूँ तो मैं बाहर निकलूंगा नहीं, बट भाई सब कोशिश कर लिया। मैंने अपना फाइंड माई आईफोन पे भी ढूंढा, मैंने एयरपोर्ट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। हाँ तो तू भी कनेक्ट करने की कोशिश करी, मैंने कहा टू कनेक्ट करके खुश ना हो जाऊं मैं। यहाँ पे हम प्रो कनेक्ट करने की कोशिश करे और मैंने क्या कर दिया, मुझे फाइंड माई आईफोन पे ना मैंने प्रो पढ़ा नहीं, मैंने अपना मैकबुक लॉक कर दिया यहाँ से। तो जनता अगर होगा भी तो यहाँ पे इतनी गाड़ी चलती है तो मुझे लगता है कहीं ना किसी के टायर के नीचे ना आ गया हो। तो कोई ना, खुश तो बहुत हो गए कर्नल। मैं मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है अब तो, मैं जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार तुमने पहले फ्लाइट मिस करी थी, उसके बाद मैंने आज तक कभी फ्लाइट नहीं मिस करी, उससे पहले मैंने कभी फ्लाइट नहीं मिस करी थी। अब तुम्हें याद रहेगा कि सामान कैसे, और मैं जब बोलता हूँ ना बेटा ये सामान देख लेना वो देख लेना, हाँ हाँ मेरे को सब पता है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो, मैं रख लूंगा ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अब समझ आ गया ना? हाँ मैं तो कहता हूँ ये 50,000 की आइटम होनी चाहिए थी। बस करो यार ऐसे तो, ये ज्यादा याद रहता ना, ये थोड़ी है ज्यादा बोलते रहोगे आप, तब ज्यादा याद रहता। तो बेस्ट तो मैं एक और चीज बताऊं तुम्हारे, तूने मैं देख रहा था सब देख रहे थे ना, सब सर्च कर रहे थे, मम्मी का बस चलता ना, मम्मी 1 किलोमीटर आगे चली जाती। मम्मी तो भाई कहाँ पहुंच गए एयरपोर्ट, मैं कहा वहां तक तो उड़ के भी नहीं जा सकते। तो भाई एकदम एंड तक पहुंच गए, बट ठीक है। अच्छा मम्मी मेरे को दो बार बोलती, आप सोचो तो सही गाड़ी कहाँ आपने पार्क करी थी बताओ तो सही। मैं मम्मी को ना मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैं खड़ा रहा। पापा आए, पापा दोनों बस नजर मारी, पापा गाड़ी में आके बैठ गए, कहते कोई टेंशन नहीं। भाई अभी बज रहे शाम बजे, मैंने इतना व्लॉग नहीं करा बिकॉज पूरे टाइम मैं सो रहा था, बट मुझे ये नहीं पता था मेरे सोने के बावजूद कर्नल साहब नए रिकॉर्ड बना देंगे। यहाँ से मैरिड मैंने देखा 7 घंटे दिखा रहा है, मैं कैलकुलेशन करने बैठा हूँ कितनी देर में पहुंचे। भाई लिटरली अभी 6 बज रहे हैं, 1 बजे हम निकले हैं, 5 घंटे में कर्नल साहब ने 500 किलोमीटर या पता नहीं कितने किलोमीटर कर लिया, 460 किलोमीटर। मतलब आई नो हाईवे अच्छा था तो इनको मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं पाऊंगा, इनको 2 बार पुलिस वालों ने रोक भी दिया। डैडी पहली बार कितने स्पीड पे रोका? 1 बार। डैडी कितने स्पीड पे रोका? डैडी सच बता, जनता जवाब जानना चाहती है। 120। और उससे पिछली बार इतना। तो भाई अभी मैंने कहा भाई चलाएगा गाड़ी बिकॉज रात का सच कोई पुलिस वाले होंगे नहीं, एंड रात को कर्नल साहब को ज्यादा जल्दी नींद आती है, मुझे नींद आती नहीं है। एंड वैसे भी यार मेरा इतना गाड़ी चलाने का मन कर नहीं रहा था बिकॉज कल भी मैंने पूरा टाइम गाड़ी चलाई, परसों भी हम बताते हैं बिकॉज मिस्ट्री गर्ल से चैटिंग चल रही थी। कोई चैटिंग मेरे बाबू ने एडिटिंग कर लिया, मेरे बाबू ने लोग देख लिया, लोग बैठे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो रहा था जैसे मैं बताया यार, लोग बैठे हुए आसपास भाई वो भी तो हंस रहे यार। तो भाई ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस, ओवरऑल द स्लीप वाज वेरी नाइस। मैं अच्छे से सोया हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज लास्ट 4-5 दिन से मैं ढंग से नहीं सो पा रहा था बिकॉज बैक टू बैक इधर उधर काम हो रहे थे और ड्राइविंग भी पूरे टाइम मैंने करी, बट अब बाबू शोना के इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे थे मिस्ट्री गर्ल के। ये बातें छोड़ दो, माँ कसम ये देख लड़ा कैसे 4 घूट इसने साथ साथ लिए बैक टू बैक फट फट। बड़ी मशक्कत के बाद कर्नल साहब बाहर निकलने को माने हैं, ये व्लॉग के बहाने ना ये बाहर आ ही जाता है। मैंने को बोला मुझे व्लॉग करना, केएस आर्मी देखना नहीं चाहिए कर्नल साहब लोग गाड़ी चलाते हैं। तो अब गाड़ी की कमांड हमारे पास आ चुकी है कर्नल साहब। आई एम वेरी एंग्री, मैंने ना इनको बोला पीछे बैठ दो, बहुत अभी बोलेंगे क्योंकि ना 462 किलोमीटर इन्होंने करे 5 घंटे में, 91 किलोमीटर की एवरेज स्पीड, और इसमें इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया बिकॉज मैं बता नहीं चाहता गाड़ी कैसे चल रही थी ठीक है। एंड अभी गूगल मैप्स पे दिखा रहा है 283 किलोमीटर उसको करने में दिखा रहा है 6 hours 13 minutes। तो भाई कोशिश करेगा करना साहब अगर 463 किलोमीटर 5 घंटे में कर सकते हैं तो 283 किलोमीटर हिसाब से हमें 2 घंटे में कर लेने चाहिए, 3 घंटे में, 3 घंटे में कर लेने चाहिए बिकॉज देखो एवरेज स्पीड मेंटेन करूंगा, बट अभी ये है कि बहुत सारे सिटीज आने वाली है। ऑन अ सीरियस नोट, जब हम वहां से यहाँ तक पहुंचे एकदम स्ट्रेट नेशनल हाईवे 11 था, बट अब यहाँ पे काफी सारे नैरो रोड आने वाले हैं। एक तो ये डीजल का समझ नहीं आ रहा, परसों मैंने भरवाया, परसों 89 था एंड अभी डीजल 91 दिखा रहा है। मतलब आज से अगर मैं कुछ साल पहले बात करूं पेट्रोल भी 90 रुपीज का नहीं होता था, 60-60 रुपए का पेट्रोल होता था, हम स्कूटी में भरवाते थे 2-3-4 लीटर में फुल हो जाती थी, एंड अभी पता नहीं कितने में फुल होगा। प्लान अभी है कुछ ऐसे कि हम लोग पहुंचे हैं झुंझुना गांव करके है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 520 किलोमीटर, एंड यहाँ से हमें अप्रॉक्सिमेट दिखा रहे 280 किलोमीटर। मैं सोचा गुड़गांव जाकर भरवाऊंगा क्योंकि ज्यादा सस्ता है, बट रिस्क नहीं लेना था बिकॉज हम स्टेट हाईवे से जा रहे हैं एंड स्टेट हाईवे में कोई भरोसा नहीं होता, तो अच्छे से फुल टैंकी के साथ जाना चाहिए, टेंशन फ्री रहता है बिकॉज घर वाले भी साथ में जा रहे हैं। मतलब भाई आज तो सारे ही रिकॉर्ड टूट गए, और मैं बता रहा हूँ सुबह से ये जो ओवर एनर्जी हो रखी है ना कहीं ना कहीं पता चल रहा है बिकॉज जो रूट हमें 13.5 घंटे दिखा रहा था गूगल मैप पे, 13.5 घंटे गाड़ी पे, बाइक तो छोड़ा ही ना, बाइक पे इजीली कवर हो जाता है, गाड़ी में 13.5 घंटे दिखा था, वो हमने करा है 10 घंटे 8 मिनट में। एंड आई विल शो इट टू यू, 746 किलोमीटर हमने करा है 10 घंटे 8 मिनट, 13.9 के एवरेज और 74 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और ये स्पीड अभी तब है जब हमने बीच में एक थोड़ा सा डायवर्जन लिया था, आधा घंटा रुके थे एयरपोर्ट्स ढूंढने के लिए जब हम पोखरण पहुंचे थे, बिकॉज ये जो 10 घंटे दिखाते हैं तब से दिखाते हैं जितने टाइम गाड़ी ऑन रही है, चाहे गाड़ी हिल रही हो या ना हिल रही हो। तो मैं लेके
चलू अगर ऑन अ सेफर साइड 9.5 घंटे में 746 किलोमीटर मजा ही आ गया। आई थिंक अभी तक का फास्टेस्ट टाइम है जो हमने अभी तक इस गाड़ी में करा है। तो ये व्लॉग में अगले दिन कंटिन्यू कर रहा है। अगले दिन क्यों कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना आप लोगों को गाड़ी की हालत दिखाई थी। राजस्थान में इतने खून करे है ना, इतने खून करे बता नहीं सकता। और कोई गलत मलत खून नहीं करे, बहुत सारे मच्छर मरे हैं, दिखाते हैं। ऐसी कुछ गाड़ी की हालत है, मतलब अगर नंबर प्लेट देख लो आइडिया लग जाएगा कितने मच्छर मारे हैं। मतलब यहाँ पे बट ये गाड़ी की हालत फिलहाल ऐसी है। बट देन हम स्टीम एंड शाइन पे आए हैं, गाड़ी वॉश होने के बाद एकदम ब्रांड न्यू चमचमाती हो जाएगी और हम अगली रोड ट्रिप के लिए रेडी हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने कहा था गाड़ी एकदम चमचमाती हो गई है भाई, अपनी अगली रोड ट्रिप के लिए आराम से निकल सकते हैं। ये है कि अगली रोड ट्रिप पे भी बहुत कीड़े मकौड़े मरने वाले हैं, बिकॉज बहुत ही प्यारा रास्ता है एंड गाड़ी आराम से 130-140 जा सकते हैं बिना टेंशन।